मत से पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद का घेराव करने के लिए सीआईटीयू बैनर के तले यहाँ ट्रेड यूनियन के तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं। हमारे बीच में बिहार से आई, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, जो जन विरोधी नीति है, जो राष्ट्र विरोधी नीति है, उसका मुखालफत करने के लिए हम आए हैं। सिर्फ हम ही नहीं आए हैं, देश के तमाम मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता यहाँ इस महापर्व में शामिल है। यह महायुद्ध है और इस सरकार के विदा होने की घंटी है। सरकार को इनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो आज तक जिन लोगों ने व्यक्तित्व के रास्ते पर चलकर मजदूरों की मांग को नकारा है, देश का नुकसान किया है, उसके नाम पर कोई होने वाला नहीं है। हम जो सरकार हमको चैन से जीने नहीं दे रही है, हम उसको चैन से मरने नहीं देंगे। ये ऐलान करने के लिए हम इस दिल्ली की धरती पर हम आए हैं, जमकर आए हैं, जुटकर आए हैं और अंतिम दिन तक संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम मजदूरों के राज बनाने का सपना हम पाले हुए हैं। सीआईटीयू मजदूर वर्ग की अगुवाई कर जनता का जनवादी क्रांति को पूरा करना चाहता है। हम इस लड़ाई में अपने साथियों को झोंके हुए हैं। हम अंतिम विजय मजदूर वर्ग की होगी। दुनिया की कोई काली ताकत हमको रोक नहीं सकती है। नंबर क्रांति का यह तमाम साल गुजर रहा है और इस मौके पर मजदूरों के लिए लेनिन का बताया रास्ता प्रेरणा का स्रोत है। हम किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। हम बलिदान कुर्बानी देने वालों के बारिश है। हम लाल झंडा लेकर आए हैं, लगा हुआ लाल झंडा दिल्ली के पर दिल्ली पर भी हमारे परचम फहराएगा। इसी संकल्प के साथ हम आए हैं। हम आप तमाम मजदूर साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। हम एकजुटता का तय करते हैं, सराहना करते हैं और धकड़ने की ताकत को हमने बढ़ाया है। हम अजमा हैं सरकार को, सरकार जाने वाली है। हम भाई साहब धक्का मारेंगे, इस सरकार के नाम पर कोई चीख पुकार सुनने वाला नहीं रहे। नरेंद्र मोदी सबका सत्यानाश करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी देश का विकास नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किसानों पर हमला किया, किसान विरोधी अध्यादेश, जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश तीन तीन बार लगाया। उन्होंने श्रमिक विरोधी कानून मालिकों के पक्ष में बताया। उन्होंने फौजियों के लिए एक रैंक एक पेंशन की गारंटी नहीं की। उन्होंने हमला उनके राज में, हमला दलितों पर हो रहा है। उनके राज में अल्पसंख्यकों को दोहम झगड़े का नारक बना के रखने की साजिश चल रही है। इन तमाम साजिशों से सबका विकास नहीं हो सकता है। सबका सत्यानाश, देश का सत्यानाश करने का रास्ता पर नरेंद्र मोदी चल रहा है। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप आगे क्या करेंगे? हमने लड़ाई का यह बिल्कुल बताया है। व्यक्तिगत नीतियों के खिलाफ हमारा यह 17वां 18वां यह बड़ा है लड़ाई है। हम सरकार को धक्का देने की सभी तिक्रमों को, सभी ताप पेज को जानते हैं। हर मोड़ और घुमाव पर पूंजीवादी, सामंती, साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हम शिकस्त देने के लिए हमने कुर्बानी दिया है। हम आगे भी देंगे। हम सरकार की साजिश को चलने नहीं देंगे।